झारखंड में गर्मी लोगों को खूब तपा रही है, लेकिन राहत की खबर ये है कि प्री मानसून बारिश जो है वो अब झारखंड के कई जिलों में देखने को मिल रहे हैं। अब से ठीक थोड़ी देर पहले डाल्टनगंज में भी बारिश हुई है, कल देर रात रांची में भी तेज़ हवा के साथ हल्की बारिश हुई है और भी कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिली है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो लगातार गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही थी उसमें लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है, लेकिन मानसून की दस्तक जो है वो झारखंड में 18 जून से लेकर 20 जून तक देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान यही बता रहा है फिलहाल कि 18 के बाद बारिश की संभावना जो है वो तेज़ होगी और 21 जून तक जो फेवरेट मानसून कहते हैं वो झारखंड में प्रवेश कर जाएगी और खूब बारिश की संभावना बताई जा रही है। फिलहाल और क्या कुछ बता रहे हैं मौसम वैज्ञानिक, आइए सुनते हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है और जो झारखंड का उत्तर पश्चिमी जो इलाका है, साथ साथ में जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे उस नहर जैसी भी स्थिति देखने को मिली है। और बात करें तो सबसे अधिक जो बारिश है 31.6 मिलीमीटर बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम में रिकॉर्ड किया गया है। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, तो अभी आने वाले जो 5 दिन हैं उसमें आपको झारखंड में कुछ कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश गर्जन वज्रपात के साथ देखने को मिल सकती है और उस समय हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल सकती है। 14 तारीख को बात की जाए तो उत्तर पूर्वी दक्षिणी और जो सटे हुए मध्य भाग है वहाँ पे कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है और यही हाल आपको 15, 16, 17 को भी रहेगा। इन्हीं इलाकों में जो आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश गर्जन वज्रपात के साथ में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के साथ में देखने को मिल सकती है और 18 तारीख से राज्य में कहीं कहीं पे आपको गर्जन वज्रपात के साथ में बारिश देखने को मिल सकती है और इंडिकेटिव में 19-20 से जो रेनफॉल है वो झारखंड में और भी बढ़ने वाला है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी, उसका फैलाव भी झारखंड में बढ़ने की स्थिति जताई जा रही है। और मानसून की बात करें तो 18 से 21 तक के बीच में फेवरेबल कंडीशन बन रहा है पूर्वी भारत में मानसून के बढ़ने की और उस अभी 5 दिनों के बाद से हम लोग निगाह लगाए हुए हैं कि मानसून की स्थिति कैसे बनती है, बट अभी के हिसाब से जो फेवरेबल कंडीशन है वो 18 से 21 के बीच में मानसून के जो प्रोग्रेस के लिए बन रही है ईस्ट इंडिया में। अब बात करते हैं कि उस लहर की स्थिति क्या है, तो अभी आने वाले 5 दिनों में झारखंड में कुछ कुछ इलाकों में आपको उस लहर जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, साथ में कुछ जगहों पर जहाँ उस लहर नहीं हो रही है वहाँ भी थोड़ी, क्योंकि लगातार तापमान बढ़ा हुआ है, नॉर्मल से टेम्परेचर जो झारखंड में अभी 2 से 5 डिग्री तक भी बढ़ा हुआ है तो गर्मी के कारण में डिस्कम्फर्ट लोगों को हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो अगर बात करें तो 14, 15, 16, 17 ये 4 दिन में झारखंड के जो आपका पूर्वी भाग है, खासकर बात किया जाए तो कोल्हान का इलाका और उससे सटे हुए कुछ मध्य भाग और जो उत्तर पश्चिमी इलाका है पलामू प्रमंडल के, उन इलाकों में हीट वेव की स्थिति बनती हुई आपको अगले 4 दिन देखने को मिलेगी। और अगर बात करें तो 18 तारीख में सिर्फ जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे हीट वेव की स्थिति आपको कुछ देखने को मिल सकती है, बाकी जगह में थोड़ा सा हीट वेव से थोड़ी सी राहत 18 से मिलने की संभावना जताई जा रही है। इवन अगर बात की जाए तो 19 से झारखंड में अभी के हिसाब से हीट वेव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के यही है कि अभी जो 4-5 दिन है उसमें थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में आपको जो 2-3 बजे तक है हीट वेव जैसी स्थिति रहेगी, सेकेंड हाफ में जो कुछ कुछ इलाके जो मैंने बताए कि आपको जो पूर्वी भाग है उससे सटे हुए मध्य दक्षिणी भाग में थोड़ी हल्की बारिश हो सकती है शाम के समय में, जिससे थोड़ा सा हल्का राहत मिल सकता है। अगर तापमान की बात की जाए तो अभी अगले 5 दिन अब कोई बड़ा बदलाव आपको अधिकतम तापमान में नहीं मिलेगा, बट क्योंकि फिर से 18-19 से थोड़ी सी जो बारिश बढ़ रही है उसके बाद से आपको गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर देखने को मिलेगी।